गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। दो लेक्चर में आपका एनाटॉमी का बेसिक हो गया है और बोन के बारे में भी आपके आपको मैंने पूरा बता दिया। अब आज है आपका नया है चैप्टर सेल। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इससे पहले आपको ये नेक्स्ट नहीं हो रहा, नेक्स्ट नहीं हो रहा। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल ये आपको यहाँ पर दिखाया गया, लेकिन इससे पहले सेल क्या है, व्हाट इज सेल, ये आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम दे देते हैं। व्हाट इज सेल? सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सेल क्या है? ऑर्गेनिज्म का सबसे बेसिक यूनिट है। सेल कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। और सेल को काय में ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपन किस चीज में ऑब्जर्व कर सकते हैं या किस चीज से ऑब्जर्व कर सकते हैं सेल को? सिर्फ माइक्रोस्कोप के जरिए। बेसिक टाइप्स ऑफ सेल, थ्री टाइप्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं, एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड बैक्टेरियल सेल। इससे पहले आप इसकी फिगर देख लीजिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है तो सेल का ही आपको बताया गया है। न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गॉल्गी अपैरेटस है। दिखाई दे रहा हूँ आपको फिगर में, ये इसका सेल का बेसिक स्ट्रक्चर है। इंट्रोडक्शन तो मैं आपको दे चुकी हूँ कि सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, और सेल को कहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है? अंडर द माइक्रोस्कोप। और इसके थ्री बेसिक टाइप्स यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स। अब नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स आपको बताया गया है, एक यूनिसेल्युलर रहता है और एक मल्टी सेल्युलर रहता है। ऑर्गेनिजम्स में भी यूनिसेल्युलर कम्पोज ऑफ वन सेल, मल्टी सेल्युलर यानी कि कम्पोज ऑफ मैनी सेल दैट में ऑर्गेनाइज। ठीक है, यूनिसेल्युलर रहता और एक मल्टी सेल्युलर रहता। सेल्स में भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। प्रोकैरियोटिक यानी कि इट इज अ टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक जो है ना वो भी एक टाइप है सेल की, दैट डज नॉट है और ट्रू न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, उसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है और मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होता है। एग्जाम्पल है उसकी बैक्टीरिया। ये कह का है प्रोकैरियोटिक क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ सेल दैट डज नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड बाउंड। ठीक है, एग्जाम्पल है उसकी बैक्टीरिया। अब यूकैरियोटिक यानी कि इट इज अ टाइप ऑफ सेल, इट इज एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इट इज एन ऑर्गेनिज्म हूज सेल्स कंटेन अ न्यूक्लियस विद एन अ मेम्ब्रेन। उसके सेल्स के अंदर क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है विद एन मेम्ब्रेन। और उसकी एग्जाम्पल है एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंगी। अब यहाँ पर देखिए, प्रोकैरियोट्स इंक्लूड बैक्टीरिया एंड लैक अ न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, मैंने आपको अभी इसकी डिफाइन की हूँ कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, इसी में वही बताया गया है, इसमें वही बताया गया है। प्रोकैरियोट्स इंक्लूड, ये काहे में इंक्लूड होते हैं, बैक्टीरिया एंड लैक अ न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनिल्स। ठीक है, जो लैक न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं स्ट्रक्चर जो होते हैं कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिल्स।
प्रोकैरियोट्स इंक्लूड बैक्टीरिया एंड लैक अ न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स, और यूकैरियोटिक इंक्लूड मोस्ट अदर सेल्स एंड हैव अ न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, और इसके एग्जाम्पल है प्लांट्स, फंगी एंड एनिमल्स. मैंने अभी आपको इजी लैंग्वेज में भी बताई हूँ. प्रोकैरियोटिक, यहाँ पर आपको फिगर नजर आ रहा होगा और फिगर को बहुत अच्छे से बताया गया है. सेल स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर कैप्सूल है, सेल वॉल है, पील है, राइबोसोम है और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है. ठीक है. न्यूक्लियर रीजन कंटेन द डीएनए, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल कंटेन राइबोसोम्स, नो मेम्ब्रेन टू मेक अ प्रोटीन इन देयर साइटोप्लाज्म. यूकैरियोटिक सेल कंटेन थ्री बेसिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में कितने कंटेन है, थ्री बेसिक सेल है स्ट्रक्चर्स, कंटेन थ्री बेसिक सेल स्ट्रक्चर. ठीक है, सेल के तीन बेसिक स्ट्रक्चर है, नंबर एक है न्यूक्लियस, नंबर दो सेल मेम्ब्रेन, नंबर तीन साइटोप्लाज्म विद ऑर्गेनिक्स. यहाँ पर आपको फिगर में भी बताया गया है. टू मेन टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक के दो मेन टाइप है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. ऑर्गेनिक्स वेरी स्मॉल साइज, ऑर्गेनिक्स कैसे होते हैं, वेरी स्मॉल साइज, कैन ओनली बी ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप. इसको कहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, किस चीज में ऑब्जर्व कर सकते हैं, ओनली माइक्रोस्कोप. हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन, और इसके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, काम होते हैं, फाउंड थ्रू आउट साइटोप्लाज्म. एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक्स इंक्लूड, ये किस किस चीज में पाए जाते हैं, किस चीज में इंक्लूड होते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि रफ एंड स्मूथ कैनाल्स फॉर मूवमेंट, गॉल्गी बॉडीज, रैप एंड एक्सपर्ट प्रोटीन्स, न्यूक्लियस मेक्स राइबोसोम्स, और एक है लाइजोसोम्स, डाइजेस्ट एंड गेट्स राइड ऑफ वेस्ट, राइबोसोम्स है मेक्स प्रोटीन. इन सब के काम बताया गया. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहता है उसमें रफ और स्मूथ होते हैं, ये कैनाल फॉर मूवमेंट यानी कि कैनाल को मूवमेंट करने के लिए काम करता है. गॉल्गी बॉडीज है रैप्ड एंड एक्सपर्ट प्रोटीन्स. ठीक है. न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या करता है, मेक्स राइबोसोम्स. न्यूक्लियस का काम क्या है, फंक्शन क्या है, मेक राइबोसोम्स. लाइजोसोम्स इसका क्या काम है, इसका क्या फंक्शन है, डाइजेस्ट एंड गेट्स रीड ऑफ वेस्टेस. ठीक है. अब है राइबोसोम्स, राइबोसोम्स का क्या काम है, मेक्स प्रोटीन्स, प्रोटीन बनाना. गोल्गी बॉडीज यहाँ पर आपको दिखाई गई है किस तरह की होती है, स्टैक ऑफ प्लेटेंट सैक, हैव अ शीपिंग साइड एंड रिसीविंग साइड, रिसीव एंड मॉडिफाई प्रोटीन्स मेड बाय ईआर, ट्रांसपोर्ट वेसल्स विथ मॉडिफाइड प्रोटीन्स पिंच ऑफ द एंड्स. यहाँ पर आपको बताया गया है ट्रांसपोर्ट वेसल, लाइजोसोम. अब लाइजोसोम में क्या होता है, कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ठीक है. ब्रेक डाउन फूड एंड बर्न आउट सेल पार्ट्स फॉर सेल्स. ठीक है. नेक्स्ट है प्रोग्राम फॉर सेल डेथ, लेज एंड रियलाइज एंजाइम टू ब्रेक डाउन एंड रिसाइकल सेल पार्ट्स. न्यूक्लियस, लाइजोसोम का हो गया. अब न्यूक्लियस का, सेल में है 1-3 न्यूक्लियर, इनसाइड न्यूक्लियस डिसअपीयर्स व्हेन सेल डिवाइडेड, मेक राइबोसोम्स दैट मेक प्रोटीन्स, स्मूथ एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ ईआर लैक्स राइबोसोम्स एंड मेक अ प्रोटीन यूएसईडी इन द सेल. क्या करता है इन्हें, स्मूथ ईआर राइबोसोम्स एंड मेक प्रोटीन तैयार करता है यूएसईडी इन द सेल. रफ ईआर हैज राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस एंड मेक्स प्रोटीन्स टू एक्सपोर्ट. अब सेल में है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के देखो आपको बताया गया फिगर में कि माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह का होता है, उसका स्ट्रक्चर एरो के जरिए बताया गया, रेड रूट शेप की, रूट शेप होता है इसका, शेप कैसा होता है, रूट शेप, साइट ऑफ सेल्यूलर रिस्पायरेशन. ठीक है. एक्टिव सेल लाइक मसल्स हैव मोर माइटोकॉन्ड्रिया, एक्टिव सेल्स काय में मसल्स हैव मोर माइटोकॉन्ड्रिया, बर्न शुगर टू प्रोड्यूस एनर्जी एटीपी, ये क्या करता है, शुगर को बर्न करता है प्रोड्यूस एनर्जी एटीपी. ठीक है.
सेल मेम्ब्रेन, देखिए आपको सराउंडिंग द सेल, सेल मेम्ब्रेन बताया गया आपको, लाइज इमिडिएटली अगेंस्ट द सेल वॉल इन प्लांट सेल्स, ये कहाँ पर होता है, सेल वॉल इन प्लांट सेल्स में, लाइज इमिडिएटली अगेंस्ट द सेल वॉल इन प्लांट सेल्स, मेड ऑफ प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड्स, सेलिक्युली प्रीमेबियल, परमेबियल, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन देखिए, सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिविंग लेयर, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन टू एंड आउट ऑफ द सेल, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन टू एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल। उसके बाद है सेल वॉल, नॉन लिविंग लेयर गिव स्ट्रक्चर एंड शेप टू प्लांट एंड बैक्टीरियल सेल्स, सेल वॉल का काम क्या होता है, गिव स्ट्रक्चर एंड शेप टू प्लांट एंड बैक्टीरियल सेल्स। साइटोप्लाज्म, जेली लाइक सब्सटेंस इनक्लोज बाय सेल मेम्ब्रेन, ये कैसा होता है, साइटोप्लाज्म जेली की तरह होता है, जेली लाइक सब्सटेंस इनक्लोज बाय सेल मेम्ब्रेन, प्रोवाइड अ मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस, ये क्या करता है, मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन को टेक प्लेस करने को मीडियम प्रोवाइड करता है। अब है साइटोप्लाज्म कंटेन अ ऑर्गेनेल्स टू कैरी आउट स्पेसिफिक जॉब, ठीक है, ये क्या करता है, कंटेन ऑर्गेनेल्स टू कैरी आउट, क्या करता है, कैरी आउट स्पेसिफिक जॉब्स, एग्जाम्पल है क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस कंट्रोल द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द सेल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का काम क्या होता है कि जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है सेल की उसको कंट्रोल करता है, कंटेन द डीएनए बॉन्डेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये किससे बॉन्डेड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, कंटेन्स क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस, ईच सेल हैज फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट कैरी जीन्स, जीन्स कंट्रोल सेल सेल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लोरोप्लास्ट कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफाइल, क्या करता है, कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफाइल, ट्रैप सनलाइट टू मेक शुगर्स, ठीक है, ट्रैप सनलाइट टू मेक शुगर्स, प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट के बाद उसने एक बताया कि फोटोसिंथेसिस किसे कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफाइल, ट्रैप सनलाइट टू मेक शुगर फूड, प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किसे कहते हैं, ट्रैप सनलाइट टू मेक शुगर फूड, प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब दिखाया गया है सेल वॉल, डेड लेयर, लार्ज एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट बिटवीन सेलुलर फाइबर, फ्रीली परमिएबल, मेड ऑफ सेलुलर्स विच फॉर्म वेरी थिन फाइबर्स, ये सेल वॉल किससे बनता है, मेड ऑफ सेलुलर्स विच फॉर्म वेरी थिन फाइबर होती है, स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड, फाउंड इन प्लांट सेल्स, और ये कहाँ पाया जाता है, प्लांट सेल्स में, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द इनक्लोज सब्सटेंस, प्रोटोप्लाज्म ये क्या करता है, प्रोटेक्ट और सपोर्ट करता है द इनक्लोज सब्सटेंस, किसको, प्रोटोप्लाज्म को, रेजिस्ट इंट्री ऑफ एग्जिस्ट वाटर इन टू द सेल, ठीक है, जो रेजिस्ट इंट्री होती है एग्जिस्ट वाटर, रेजिस्ट इंट्री ऑफ एग्जिस्ट वाटर इन टू द सेल, गिव शेप टू द सेल, और ये क्या करता है, सेल को शेप भी देता है, वैक्यूल हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, वैक्यूल क्या होता है, हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सराउंडेड बाय टोनोप्लास्ट, और ये कैसे सराउंडेड किया जाता है, घेरा जाता है टोनोप्लास्ट से, कंटेन सेल सैप, शुगर्स, प्रोटीन, मिनरल्स, वेस्टेस एंड पिगमेंट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट सेल्स, देखिए अब यहाँ पर प्लांट सेल्स के डिफरेंट कितने डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट सेल्स, डिफरेंट जो है उसके डिफरेंट काइंड से जो प्लांट सेल्स के वो आपको बताया गया है, ओनियन एपिडर्मल सेल्स है, रूट हेयर है, गार्ड सेल्स है, रूट है, सेल है, आपको फिगर में दिखाया जा रहा है, वो प्लांट सेल था इससे पहले का, और ये है एनिमल सेल, नो सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता और क्लोरोप्लास्ट, स्टोर ग्लाइकोजन इन द साइटोप्लाज्म फॉर फूड एनर्जी, फूड एनर्जी के लिए क्या करता है, स्टोर करता है ग्लाइकोन इन द साइटोप्लाज्म,
ग्लाइकोन को साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर करता है फूड एनर्जी के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, वैक्यूल, सेल मेम्ब्रेन, देखिए आपको फिगर में सब दिखाया जाए, सेल मेम्ब्रेन कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, न्यूक्लियस, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। एनिमल सेल ऑर्गेन्स, ये कहाँ पर होता है, नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के करीब, नियर द न्यूक्लियस के करीब क्या होता है, एनिमल सेल ऑर्गेन्स, सेंट्रल पैड स्ट्रक्चर, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पैड होता है, हेल्प सेल डिवाइड, सेल को डिवाइड करने में मदद करता है। अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल सेल्स, अब पहले प्लांट के हो गए, अब इसी अब एनिमल्स के डिफरेंट काइंड्स आपको बताया जा रहा है। व्हाइट ब्लड सेल होता है, रेड ब्लड सेल, स्पर्म, नर्व सेल, मसल सेल्स, एमोबिया, मसल सेल्स, पैरामीशियम, यह यहाँ पर आपको फिगर में बताया जा रहा है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल सेल्स, एनिमल्स के डिफरेंट काइंड्स आपको फिगर में दिखाया जा रहा है। अब उसके बाद दोनों में क्या डिफरेंट, ये आपको बताया गया, एनिमल सेल और प्लांट सेल के काइंड्स कितने हैं, क्या है, ये आपको बताया गया है। अब उसके अंदर सिमिलरिटीज इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, एनिमल और प्लांट सेल में क्या सिमिलर होता है, ये आपको बता रही हूँ। बोथ हैव अ सेल मेम्ब्रेन सराउंडिंग द साइटोप्लाज्म, दोनों में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, बोथ हैव अ न्यूक्लियस, और दोनों में न्यूक्लियस भी होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है, बोथ कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, और दोनों में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, पहले आपको सिमिलरिटीज बता दी मैंने कि दोनों में सेल मेम्ब्रेन होते हैं, दोनों में न्यूक्लियस होते हैं, और दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब उसके डिफरेंट, दोनों में क्या डिफरेंट है, रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज, एनिमल सेल क्या होता है, छोटे साइज का होता है, और प्लांट सेल्स क्या होता है, प्लांट सेल में लार्जर इन साइज, रिलेटिवली लार्जर इन साइज, इरेगुलर शेप, एनिमल का जो सेल रहता है वो इरेगुलर रहता है, और प्लांट सेल्स का क्या रहता है, रेगुलर शेप, नो सेल वॉल, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है और प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसी के आगे कंटिन्यू, वैक्यूल स्मॉल और एबसेंट, इसमें वैक्यूल छोटा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है एनिमल सेल में, और प्लांट में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, प्लांट में क्या होता है, लार्ज सेंट्रल होता है। ग्लाइकोजन एज फूड स्टोरेज, ग्लाइकोजन क्या है, एज अ फूड स्टोरेज, स्टार्च एज अ फूड स्टोरेज, न्यूक्लियस एट द सेंटर, न्यूक्लियस कहाँ पर होता है, सेंटर पे होता है, न्यूक्लियस नियर सेल वॉल, और प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहाँ पर होता है, सेल वॉल के करीब होता है, और एनिमल में न्यूक्लियस एट द सेंटर, एनिमल में न्यूक्लियस सेंटर पे होता है और प्लांट में नियर करीब होता है इसके। ये इंस्ट्रूमेंट देखिए आपको दिखाया गया, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, स्मॉल छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, मैग्निफाई इमेजेस अप टू 2000x देयर साइज। अब माइक्रोस्कोप जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स आपको बताए जा रहे हैं, ये देखिए आपको फिगर में माइक्रोस्कोप है, उसके डिफरेंट पार्ट्स भी है, आई पीस, बॉडी ट्यूब, कोर्स एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट, रिवॉल्विंग नोज पीस, ऑब्जेक्ट ट्यूब, आर्म, क्लिप, स्टेज, कंडेंसर, इरिस, डायफ्रेगम, मिरर, कंडेंसर, कंट्रोल नोब, बेस। ठीक है, ये पूरा माइक्रोस्कोप का आपको पूरा फिगर बताया गया है, इसका स्ट्रक्चर बताया, किस तरह से होता है, कहाँ पर कौन सी चीज होती है। ठीक है, आज के लेक्चर खत्म हुआ, अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हो।
करनी है।